सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाजरीन के साथ साथ यूके 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सिद्दीकी। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। हुकूमती सफ़ों में दरार एक बार फिर वाजी हो गई। वज़ीर आज़म की जानिब से तहादियों के जोहराने में मुस्लिम लीग काफ ने शिरकत नहीं की। तारिक बशीर चीमा कहते हैं हुकूमत नहीं रियासत के साथ हैं। मोनस इलाही बोले हमारा PTI से इत्तेहाद वोट की हद तक है। हुकूमती इत्तेहादियों ने जोहराने में शिकायतों के अंबार लगा दिए। तरक्याती फंड्स और मेगा प्रोजेक्ट ना देने पर फट पड़े। सिंध हुकूमत के किसान दोस्त फैसले ने विफाक को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। विफाक की जानिब से गंदम की फी मन कीमत 1780 रुपये फी मन रखने की तजवीज़ तैयार कर ली गई। विफाक ने सिंध हुकूमत से कहा है कि 2000 रुपये फी मन गंदम खरीदारी के फैसले पर लचक दिखाए। साल 2020 के दौरान विफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकरूर और तबादलों की आंधी आ गई। 310 रोज़ में 500 से ज़ायद अफसरान के तकरूर और तबादले कर दिए गए। पे दर पे तबादलों से ब्यूरोक्रेसी अदम तहफ़ुज़ का शिकार हो गई। बाबर शहजाद की रिपोर्ट देखिए। साल 2020 में वफाकी ब्यूरोक्रेसी में रिकॉर्ड तकरूर तबादले किए गए। दस्तावेजात के मुताबिक 1 जनवरी से 5 नवंबर तक मजमू तौर पर 500 से जायद अफसरान के तकरूर तबादले किए गए। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के मुताबिक ग्रेड 17 से 22 के 460 से जायद अफसरान को तब्दील किया गया, जबकि 51 रिटायर्ड सिविल व मिलिट्री अफसरान और माहरीन की तकर्रियाँ की गयी। दस्तावेजात के मुताबिक 2020 का पहला तबादला 1 जनवरी को ही हुआ। IG गिलगित बल्तिस्तान सनाउल्लाह अब्बासी को IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक सबसे ज्यादा तबादले पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अफसरान के किए गए। पे दर पे तकरो तबादलों से ब्यूरोक्रेसी अदम तहफ़ुज़ का शिकार रही। तकरो तबादलों की आंधी में 74 अफसरान ने रुख्सत ली। मुतअद्दिद अफसरान मुख्तलिफ उज़्र पेश करके तवील रुख्सत पर बिरूनी मुल्क चले गए। बाबर शिजातुर, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। बिजली के बाद अब पेट्रोलियम सेक्टर का गर्दशी कर्जा भी बेकाबू हो गया। तेल और गैस कंपनीज का सर्कुलर डेट 1600 अरब रुपये से तजावुज कर गया। मुल्क में तेल और गैस के बड़े बहरान का खदशा है। पेट्रोलियम डिवीजन ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। बिजली के बाद अब पेट्रोलियम सेक्टर का गर्दशी कर्जा भी बेकाबू होने लगा है। तेल और गैस कंपनीज का सर्कुलर डेट 1600 अरब रुपये से तजावुज कर गया है। मुल्क में तेल और गैस के बड़े बहरान का खदशा है और पेट्रोलियम डिवीजन ने इस हवाले से खतरे की घंटी भी बजा दी है। दस्तावेजात के मुताबिक तेल और गैस कंपनीज का सर्कुलर डेट 1600 अरब रुपये से तजावुज कर चुका है। मुल्क में तेल और गैस का बड़ा बहरान जन्म ले सकता है। पूरे पेट्रोलियम सेक्टर की तबाही से दो चार होने का खदशा है। पेट्रोलियम डिवीजन के सर्कुलर डेट के खात्मे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी सामने आई हैं। 1600 अरब रुपये का सर्कुलर डेट अब तक सामने आ चुका है। अवैस करानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अवैस, इस सर्कुलर डेट को ख़त्म या कम करने के लिए भी क्या कुछ इकदाम तजवीज़ किए गए हैं? देखिए जी, सिर्फ पेट्रोलियम सेक्टर का 1600 अरब रुपये से तजावुज कर गया है ये गर्दशी कर्जा, और इस पर अब PM की हदायत के मुताबिक अमल दरामद जो है वो किया जाएगा। और हुकूमत जो है वो जल जोड़ के बैठ गई है। तेल और गैस के जो बड़े जो बहरान का खर्चा पैदा होने का जो है ये इम्कान जाहिर हो चुका है, और ये खतरा हो रहा है कि तेल और गैस कंपनियों का जो सर्कुलर डेट है वो 1600 अरब रुपये से तजावुज कैसे कर गया है। और जो बताया ये जा रहा है कि PSO का जो सर्कुलर डेट है वो 323 अरब रुपया हो गया है, OGDCL का सर्कुलर डेट 401, और इस तरह जो PPL है वो 378 अरब रुपये से जो है वो बढ़ गया है। तो इस तरह जो गैस कंपनी है उसका सर्कुलर डेट है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर में हक मांगने वाले किसान से ज़िंदगी छीन ली गई। एहतजाज के दौरान पुलिस चैलेंज से बेहोश होने वाला किसान मलिक अशरफ लंगड़ियाल शहीद हो गया। सदर किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर का कहना है कि मलिक अशफाक की मौत केमिकल मिले पानी और शैलिंग से हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने किसानों पर पुलिस तशद्दुद को अफसोसनाक करार दिया। साबिक सदर ने पुलिस तशद्दुद से किसान रहनुमा अशफाक लंगड़ियाल की शहादत की मजम्मत भी की। लाहौर में पुलिस शेलिंग से शहीद होने वाले किसान मलिक अशफाक लंगड़ियाल के भाई का कहना है कि मेरा भाई दहशतगर्द नहीं था। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। इस वक्त विहाड़ी में हमारे नुमाइंदे हाफिज़ सालेह मोहम्मद अशफाक लंगड़ियाल के घर पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। सालेह मोहम्मद, बताएगा क्या कहना है अशफाक के घर वालों का? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं, विहाड़ी का नवाही इलाका है 150 EB, जहाँ पर आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़ा पेश आया लाहौर के अंदर कि मलिक अशफाक जो कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के फाइनेंस सेक्रेटरी थे, आज
पुलिस की शेलिंग की वजह से जो जहरीला मादा था उनके जिसम में जाने की वजह से वो जानवर ना हो सके और खालिक हकीकी से जा मिले हैं। हमारे साथ इनके भाई मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। अच्छा बताएं कि कब वो यहाँ से धरने पे गए हैं और क्या सूरत हाल अब तक आपको मालूम रही है? परसों गए थे लाहौर, फिर बताते रहे हमें लम्हा बलम्हा भाई लाठीचार्ज हो रहा है, सुबह शेलिंग हो रही है, बड़ी मुश्किल से जान बचाई है, कुछ लोगों को जेलों में ले गए हैं, इस तरह का माहौल बताते रहे हमें। उन्होंने डट के मुकाबला किया है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो आज उन्होंने आखिर जान दे दी। तो मेरा तो ये आर्मी चीफ साहब से मुतालबा है कि ये कब तक आवाम को मरता देखेंगे, महंगाई से, भूख से, शेलिंग से, लाठी चार्ज से। तो खुदारा खुदारा इस कौम पे मेहरबानी करें, देखें क्या जुल्म हो रहा है, कब तक आँखें बंद करेंगे। आप खुद नोटिस लें, इस वाक़े का नोटिस लें। गरीब किसान वहाँ गए अपना मुतालबात बनवाने के लिए, क्या वो दहशतगर्द थे, क्या वो कोई डाकू थे, चोर थे? वो मुल्क को चलाने वाले किसान थे जिन पे जुल्म किया गया है। उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है भाइयों की तरफ से कि इस वक्त जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ इन तमाम चीज़ों को खुद नोटिस लें ताकि इन तमाम बातों का इजाला किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सालिम मोहम्मद इस बारे में अपडेट करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी तोपों का रुख वज़ीर-ए-आज़म की तरफ मोड़ दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं अबूरी वज़ीर-ए-आज़म कहता है अबूरी सूबा बनाऊंगा, सूबा बनाना कठपुतलियों का नहीं सियासी लोगों का काम है। बिलावल भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान भर में इंतखाबी मुहिम जारी है। उन्होंने दावा किया कि इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है। और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ इंतखाबी मैदान से जाने गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गई। मरियम नवाज़ कहती हैं कि वोट चोर गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर मंडला रहे हैं, आपको अपने हक पर पहरा देना है। वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत की टांगें अब कांप रही हैं, कुछ दिन पहले यहाँ एक गीदड़ आया और गिलगित बल्तिस्तान के सूबे का झांसा देकर चला गया, गीदड़ की हुकूमत आई तो आप अपना मुकदमा हार जाएंगे। कहा जो थोड़ा सा दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता वो आपका नुमाइंदा नहीं हो सकता। वो गांछे में इंतखाबी मुहिम से खिताब कर रही थी। मुस्लिम लीग नून ने जेल में शहबाज शरीफ की अदवियात रोकने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। नून लीग के रहनुमा अताउल्ला तारड़ का कहना है कि अदालती अहकामात के बावजूद शहबाज शरीफ के टेस्ट नहीं करवाए जा रहे। फयाजुल हसन चौहान को जेल की नहीं बल्कि दोनों अपोजिशन लीडर्स की वजारत दी गई। फयाजुल हसन चौहान हीले बहानों से अपोजिशन लीडर्स को तंग करेंगे। इन्होंने मिन्नत तरला करके और इन्होंने खान साहब के इंतकामी जहन को समझते हुए उनको ये हलफ दिया है कि मैं हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को टाइट करूंगा, तो आप मुझे ये कलमदान दें, मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा, मैं आपकी तवक्कोआत पूरी करूंगा। तो वो इमरान खान एक इंतकाम की हवस में एक अंधा शख्स है, उसको ये बात पसंद आई और उसने इनको वजीर लगा दिया। प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने कल कलमदान जैसे ही सौंपा गया, इन्होंने कोट लखपत जेल के सुपरिंटेंडेंट को भी कैंप जेल तलब किया, मीटिंग कैंप जेल की थी, अमला आया हुआ था कोट लखपत का, आज खुद भी वहां जा रहे हैं। तो फैजल हसन चौहान साहब आप क्या कर लेंगे हमारा, आप पहले ही हमने कोर्ट से ऑर्डर लिया है उसके बावजूद दवाइयां नहीं जाने दी जा रही। अब इस शख्स ने, क्योंकि इसको पता है कि मेरा लीडर इंतकाम में हंदा होने वाला शख्स है, तो ये अब उसको खुश करने के लिए हीले बहानों से आम कैदियों की आड़ में ये शहबाज शरीफ साहब को और हमदा शहबाज साहब को तंग करने की कोशिश करेगा। अमरीकी सदारती इंतखाब में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन फैसला कुन फतह के करीब पहुंच चुके हैं। जो बाइडन ने 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 264 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर लिए हैं और उनको 270 इलेक्टोरल वोट्स के लिए बस 6 मजीद वोट्स दरकार हैं। मौजूदा अमरीकी सदर और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 214 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर सके हैं। अब उनकी जीत का मुकम्मल दारोमदार स्विंग स्टेट्स पर है। अलबत्त अमरीकी सियासी मुबस्तरीन का कहना है कि अगर ट्रंप को स्विंग स्टेट से भी तमाम इलेक्टोरल वोट्स मिल जाएं तब भी वो मजमू तौर पर 268 इलेक्टोरल वोट्स ही हासिल कर पाएंगे। जो बाइडन अगरचे अपनी फतह के लिए बहुत पुरुमीद हैं, लेकिन उन्होंने अपने हामियों से कहा है कि जब तक मुकम्मल नतायज नहीं आ जाते तब तक वो अपनी फतह का ऐलान भी नहीं करेंगे। हालिया अमरीकी सदारती इंतखाब में अवामी जोशो खरोश बहुत नुमाया है, जिसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जो बाइडन वो पहले सदारती उम्मीदवार बन चुके हैं जिन्होंने 7 करोड़ से ज़्यादा अवामी वोट हासिल किए हैं, लेकिन ट्रंप भी 6,86,00,000 वोट हासिल कर चुके हैं। इस तरह दोनों सदारती उम्मीदवारों को मिलने वाले वोटों की तादाद में सिर्फ 2.4% का ही फ़र्क है। डोनाल्ड ट्रंप यकीनी शिकस्त को जीत में बदलने के लिए जादू टूना कराने लगे। मुखालिफ उम्मीदवार जो बाइडन के वोट बढ़ने पर ट्रंप ने रूहानी मुशीर को मैदान में उतार दिया।
पॉला वाइट ने ट्रंप की कामयाबी के लिए दुआया तकरीब का अहतमाम किया। रूहानी मुशीर ने तकरीब में मुख्तलिफ मंतर भी दोहराए, कहा कि उसे ट्रंप की कामयाबी की नवीद सुनाई दे रही है। ट्रंप की जीत के लिए फरिश्ते अभी अफ्रीका में हैं और वो अमरीका की तरफ आ रहे हैं। The Lord says it is done, for I hear victory, 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 victory in the quarters of heaven, in the quarters of heaven, victory, 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 victory. For angels are being released right now, angels are being dispatched right now. Hamanda aka ata raka te da baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata rike di diasha da. For angels have even been dispatched from Africa right now, Africa right now, Africa right now, from Africa right now. They're coming here. They're coming here. For I hear the sound of victory. I hear the sound of victory. I hear the sound of victory. अमेरिका में जो बाइडन की फतह के आसार नुमाया होने पर मुतादित शहरों में मुजाहरे शुरू हो गए। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के हामी सड़कों पर निकल आए। न्यूयॉर्क में पुलिस के साथ झड़पों में 50 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहरीन ने वोटों की दोबारा गिनती का मुतालबा भी किया। जो बाइडन की फतह सामने होने के बाद अब मुजाहरे भी शुरू हो चुके हैं। अमरीकी इंतखाबात में सेनेट के अरकान का भी चुनाव, 35 सेनेटर्स को मुंतखब कर लिया गया। सेनेट इलेक्शन में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बढ़तरी हासिल हो गई, 35 में 18 नशिस्तें जीत लीं। जो बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी के हिस्से में 13 नशिस्तें आईं। अब अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट्स की नशिस्तें 46 रह गईं, जबकि रिपब्लिकन की नशिस्तें 48 हो गई हैं। रियासती गवर्नर्स के हवाले से भी रिपब्लिकन पार्टी की पोजीशन मजीद मजबूत है। 11 रियासतों के गवर्नर्स के इंतखाब में रिपब्लिकन्स ने 8 पर कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि डेमोक्रेट्स को 3 में कामयाबी मिली है, जिसके बाद रिपब्लिकन के गवर्नर्स की तादाद 27 और डेमोक्रेट्स के गवर्नर्स की तादाद 23 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अमरीकी इंतखाबात में सेनेट के अरकान का भी चुनाव जारी है। 35 सेनेटर्स को मुंतखब कर लिया गया है। सेनेट इलेक्शन में ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी को बढ़तरी हासिल हो गई है, 35 में से 18 नशिस्तें जीत ली हैं। जो बाइडन की डेमोक्रेटिक्स पार्टी के हिस्से में 13 नशिस्तें आई हैं। DJSPR के मुताबिक पाक रूस मुश्तरका फौजी मशकों के लिए रूसी फौजी दस्ता पाकिस्तान पहुंच गया। दो रोज़बा 5 मशकों में इंसदाद दहशतगर्दी के तजुर्बात का तबादला किया जाएगा। मशकों में रूसी स्पेशल फोर्सेस का दस्ता शिरकत कर रहा है। मशकों में इंसदाद दहशतगर्दी के तजुर्बात का तबादला किया जाएगा। स्काई डाइविंग और यरगमालियों की रिहाई के लिए ऑपरेशन मशकों का खसूसी पहलू है। दरोज़बा की पहली मशक 2016 और तीसरी मशक 2018 में पाकिस्तान में हुई। दूसरी और चौथी मशकें 2017 और 2019 में रूस में हुई थीं। दरोज़बा 5 मशकों का आगाज़ हो गया है। DJSPR का कहना है कि पाक रूस मुश्तरका फौजी मशकों के लिए रूसी फौजी दस्ता पाकिस्तान पहुंच चुका है। इन मशकों में इंसदाद दहशतगर्दी के तजुर्बात का तबादला किया जाएगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं का वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हैदर अब्बास रिजवी के बाद आदिल सिद्दीकी भी पाकिस्तान वापस आ गए हैं। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। हसन, अपडेट कीजिएगा, कौन कौन से रहनुमा पहुंच चुके पाकिस्तान? जी देखिए, MQM के जिला वतन रहनुमाओं की वापसी का सिलसिला जो है वो एक मरतबा शुरू हो चुका है। पहले हमने देखा कि हैदर अब्बास रिजवी जो के साबिक सूबा रुकने कौमी असेंबली थे और MQM बड़े ही जो है वो खास लोगों में उनका शुमार होता था, वो वतन वापस पहुंचे हैं। उसके बाद आज हमने देखा है कि आदिल सिद्दीकी जो कि सूबाई वजीर भी रहे हैं और रुकने की जानिब से उनको भी बड़ा अहम किरदार समझा जाता था MQM के अंदर, आज वो भी जो है वो वतन वापस पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ अगर हम आपको बताएं तो हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं कि मजीद MQM पाकिस्तान रहनुमाओं से रابطے जारी हैं। ठीक है हसन अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क भर के तालीमी इदारे खुले रहेंगे। सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस में मुत्तफ़िक़ का फैसला किया गया है। मौसम सरमा के तातीलात का फैसला सूबों की सूरत हाल को देखते हुए किया जाएगा। 8वीं और मैट्रिक इम्तहानात के हवाले से इत्तफाक नहीं हो सका। वली चौधरी की रिपोर्ट इसी बारे में है।
मुल्क भर के तालीमी इदारे खुले रहेंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स कोरोना SOP और हिफाजती इंतजाम पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में कहा गया है कि कोरोना के हवाले से सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। वजारत सेहत के हुकाम ने कोरोना की मजमुई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में फैसला किया गया कि मौसम सरमा की तातीलात का फैसला सूबों की सूरत हाल को देखते हुए किया जाएगा। इजलास में तालीमी साल की तब्दीली और 8वीं, 9वीं, 10वीं के बोर्ड इम्तिहानात पर भी कोई फैसला न हो सका। बैन सूबाई वज़राए तालीम का अगला इजलास दिसंबर में होगा, जिसमें उस वक्त की सूरत हाल की रोशनी में नजरसानी का फैसला किया जाएगा। वलीद चौधरी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। हैदराबाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोरोना की जद में आ गया। 27 जेरे तरबियत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कोरोना में मुबतला हो गए। मुतासरा ट्रेनी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को हॉस्टल में आइसोलेट कर दिया गया। दो रोज़ कबल 3 ट्रेनी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था, जिसके बाद दीगर ट्रेनी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का टेस्ट किया गया। 27 केसेस सामने आने के बाद ट्रेनिंग स्कूल को भी सील कर दिया गया है। हैदराबाद में सिविल एविएशन अथॉरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कोरोना की जद में आ गया, जहां 27 जेरे तरबियत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स कोरोना में मुबतला हो गए। मुतासरा ट्रेनी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को हॉस्टल में आइसोलेट कर दिया गया है। DIG नईम शेख ने हैदराबाद से तबादले और अलविदाई पार्टी की खुशी में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। पार्टी में समाजी फासले का ख्याल रखा गया, ना ही मास्क की पाबंदी की गई। DIG लोगों के हाथों से मिठाई खाते और गले भी मिलते रहे। DIG नईम शेख ने हैदराबाद से तबादले और अलविदाई पार्टी की खुशी में कोरोना SOPs की धज्जियाँ उड़ा दी। पार्टी में समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा गया। और आपको अपडेट करेंगे, जहांगीर तरीन लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। जहांगीर तरीन 7 माह से ज़ायद अरसा लंदन में रहने के बाद वापस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। जहांगीर तरीन लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। जहांगीर तरीन 7 माह से ज़ायद अरसा लंदन में क़याम पजीर रहे, जिसके बाद अब वापस पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। वकास, अपडेट कीजिएगा। वकास अहमद, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, कब तक पहुंच रहे हैं जहांगीर तरीन पाकिस्तान? वकास अहमद से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। जहांगीर तरीन लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। जहांगीर तरीन 7 माह से ज्यादा अरसा लंदन में रहने के बाद वापस पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। जहांगीर तरीन शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट में नाम आने के बाद इलाज के लिए लंदन चले गए थे, जो कि अब पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। जहांगीर तरीन 7 माह से ज़ायद अरसा लंदन में क़याम पजीर रहे और अब वापस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। याद रहे कि जहांगीर तरीन शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट में नाम आने के बाद इलाज के लिए लंदन चले गए थे। जहांगीर तरीन लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। जहांगीर तरीन 7 माह से ज़ायद अरसा लंदन में रहने के बाद वापस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। जहांगीर तरीन शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट में नाम आने के बाद इलाज के लिए लंदन चले गए थे, जो कि अब पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। 7 माह से ज़ायद अरसा लंदन में रहे, जो जिसके बाद अब वो पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, जहांगीर तरीन लंदन में 7 माह से ज़ायद अरसा क़याम पजीर रहे, इलाज के लिए लंदन गए थे, जो कि अब वापस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। और इस बुलेटिन से इतना ही, आप देखते रहिए 24 न्यूज़।